हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिक। आज हम सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाए हैं। बच्चों को सोयाबीन बहुत ही पसंद है। इसकी सब्जी हम अक्सर बनाते रहते हैं, कभी ग्रेवी वाली कभी सूखी। आज हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। हम बॉयल सोयाबीन लिए हैं और बॉयल आलू। आलू को हम छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं और इसमें डालने के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट लिए हैं और इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। सोयाबीन को हम गर्म पानी में डालकर अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तब इनको ठंडा पानी में डालकर हम छान कर निकाल लेते हैं। इसमें का हम एक्स्ट्रा पानी अपने हाथों से अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेते हैं। पानी में इनको हम ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। एक पैन में हम ऑयल लेंगे। ऑयल को हम चारों तरफ घुमा देते हैं जिससे यह पेंदी में और इसके अंदर के सरफेस में अच्छे से लग जाए। तब इसमें हम सोयाबीन को डालेंगे जिससे सोयाबीन भूनते समय यह कढ़ाई के पेंदी में नहीं चिपकता है और इनको हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। सोयाबीन का एक्स्ट्रा मॉइस्चर अच्छे से ड्राई हो जाता है तो इसका सब्जी खाने में टेस्टी लगता है। कुछ देर भूनने के बाद ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं और यह हल्के हल्के ब्राउन कलर में भी हो गए हैं। इनको हम ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे और इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तब हम सब्जी को बनाएंगे। अगर हम बिना फ्राई किए डायरेक्ट सब्जी में डालते हैं तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप ज़रूर हल्का फ्राई ज़रूर करें। एक पैन में ऑयल लेंगे और सब्जी बनाने के लिए तड़का के लिए हम एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 इंच के दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। इनको हम कूट लेंगे और कूट कर ऑयल में डालेंगे। खराब मसाला डालने से अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसलिए इनको हल्का सा कूट लेते हैं जिससे इनका फ्लेवर अच्छे से ऑयल में मिक्स हो जाए और सब्जी में अच्छा टेस्ट आए। कुछ देर सौते करने के बाद इसमें हम 2 प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इनको हम गुलाबी होने तक भून लेंगे। इसमें हम लहसुन और अदरक का भी पेस्ट डाल देते हैं और साथ में अच्छे से भून लेते हैं। कुछ देर भूनने के बाद यह अच्छे से हल्का गुलाबी कलर में हो गए हैं और इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसमें हम 2 टमाटर के पेस्ट को भी डाल देते हैं और इनको भी हम भून लेते हैं। इन सब को हम अच्छे से भून लिए हैं। प्याज और टमाटर अच्छे से भुने रहते हैं तो यह सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हम मसालों को डालेंगे। आँच हम धीमा कर देंगे। इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे पाउडर रूप में हैं, यह ड्राई हैं। इनको भूनने के लिए इसमें हम कुछ पानी डाल देंगे जिससे मसाले पानी में मिक्स होकर फूल भी जाते हैं और अच्छे से यह भून भी जाते हैं। इनको हम कुछ देर मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जिससे यह ड्राई हो जाए और अच्छे से मसाले भून जाए। मसालों में से ऑयल दिखने लगा है, मसाले हमारे भून गए हैं। ग्रेवी के लिए इसमें हम पानी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेवी गाढ़ा या पतला बनाएं, उस हिसाब से इसमें हम पानी डालेंगे। हम पतला ग्रेवी वाला सब्जी बना रहे हैं इसीलिए इसमें हम पानी ज़्यादा डालेंगे और मसालों में हम मिक्स करेंगे और इसमें हम पहले से फ्राई करके रखे हुए सोयाबीन को डाल देंगे और आलू को डाल देंगे। बॉयल्ड आलू डालने से यह सब्जी जल्दी कुक हो जाता है। अगर कच्चा रहता है तो इनको पकाने में ज़्यादा समय लगता है। आप चाहें तो आलू को भी हल्का फ्राई करके डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और एक बार चला देते हैं जिससे नमक अच्छे से मिल जाए। तब इनको हम ढक कर धीमी आँच पर 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे कि आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं और सोयाबीन भी इसमें फूलकर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बॉयल करते समय सोयाबीन हमारा हाफ कुक रहता है, बाद में यह अच्छी तरीके से कुक होकर सॉफ्ट हो जाते हैं।
इस तरीके से हमारा ग्रेवी वाला सोयाबीन और आलू का सब्जी तैयार है। इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं और गैस को बंद कर देंगे। धनिया पत्ती हमें सब्जियों में बहुत ही अच्छा लगता है, हम धनिया पत्ती सब्जी में जरूर डालते हैं और इनको एक बार चला देते हैं, जिससे धनिया पत्ती का फ्लेवर सब्जी में मिक्स हो जाए। आइए अपने सब्जी को बाउल में निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।